गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों, आज के क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है प्रिज्म। ये प्रिज्म से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। 5 नंबर का जो डेरिवेशन होता है उसमें से एक क्वेश्चन प्रिज्म में इस साल 100% रहेगा, ठीक है ना। इस प्रिज्म के अंदर हम लोग 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और 4 पॉइंट में से आपका जो 2 पॉइंट है ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। ये तो आपका बेसिक चीज़ है, इसको जानना जरूरी है और यहाँ से आपको 2 फॉर्मूला मिल जाता है। तो पहले समझते हैं प्रिज्म होता क्या है। इस प्रिज्म के अंदर बाबू कितने पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में एक फॉर्मूला मिलेगा, ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्या है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, मतलब यहाँ डेल्टा की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा प्रोड्यूस, एक आएगा प्रूफ दैट डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, और एक दूसरा चौथा आएगा रिफ्रैक्टिवनेस म्यू इक्वल टू इतना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है बाबू? तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो 5 सरफेस से घिरा हुआ होता है, लेकिन अगर इसमें हम लोग 2 सरफेस को काउंट करते हैं, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए क्या होता है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये प्रिज्म, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिज्म देखने से अगर आप दूर से देखिएगा तो आपको एक ट्रेंगल जैसा नजर आएगा, लेकिन इसमें टोटल सरफेस 5 होता है, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर लाइट इधर से जा रहा है और इधर निकल जा रहा है तो इन दोनों सरफेस से मिलने वाला एंगल ये है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रही है बात? आपको समझ में आ गया होगा प्रिज्म क्या होता है। तो जब प्रिज्म को हम दूर से देखते हैं तो हमको ट्रेंगल जैसा नजर आता है। कैसा नजर आएगा आपको? ट्रेंगल जैसा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे अगर आपको नजर आएगा एक ट्रेंगल जैसा, लेकिन टोटल सरफेस काउंट कीजिएगा तो यहाँ से 2, समझ रहे हैं ना, एक आगे से 3, एक पीछे से 4 और एक नीचे से 5। अगर मान के चलिए इधर से आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है ना, और इधर से आने के बाद लाइट इधर से निकल गया, ठीक है ना, तो यही दोनों सरफेस जो मिलने वाला एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज। और इसमें 2 सरफेस आपका एज का आया है, इन दोनों सरफेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्रिज, ठीक है ना, समझ में आ रही। इन दोनों से बनने वाला ये आपका बेस कहलाएगा। इस तरह से हम लोग प्रिज्म के अंदर इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। प्रिज्म समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाए। इसके अंदर कौन कौन से जो मेरा पॉइंट है वो बनता है उसको समझ लेते हैं। पहले प्रिज्म का डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस एंगल पे कटता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको क्या बोलते हैं? बेस। पहले आप प्रिज्म का हेडिंग दीजिए और इस पॉइंट को लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है, उस चीज़ों को हमने डिफिनेशन लिख दिया गया। प्रिज्म क्या होता है? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल, देन इट इज कॉल्ड प्रिज्म। समझ में आई बात? इसमें इसको अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर इसको बोला जाएगा, इन दोनों इस जो एंगल बना है इन दोनों सरफेस से बना है, तो ही आपका दोनों कैसा सरफेस कहलाएगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहलाएगा बाबू? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। समझ में आ रही बात? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस, ठीक है ना। प्रिज्म किसी न किसी मीडियम का बना होता है, अक्सर आपको ग्लास का मिलेगा बना हुआ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम क्या था आपका, समझते हैं यहाँ पे किसका क्या नाम था उसका। इसको हेडिंग दीजिए यहाँ पे। पहला हेडिंग देंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। क्या हेडिंग देंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसे प्रूव करेंगे ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। पहले इसको हेडिंग दीजिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। चलो बाबू आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? प्रिज्म को बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर पहला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया 100%, तो बाकी उसमें समय लगने वाला नहीं है, बेस यही है आपका। देखिए प्रिज्म में किसी न किसी मीडियम का बना है, तो सबसे पहली बात इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा, म्यू मान लेते हैं। अगर इधर एयर है तो इधर भी क्या होगा? एयर होगा।
चलिए इस प्रिज्म के अंदर लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं। अब समझते हैं बात को, जैसे आप प्रिज्म के अंदर लाइट को इंसिडेंट कराते हो तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हो, क्लियर है यहाँ तक। जैसे ये लाइट सरफेस पे आया प्रिज्म के सरफेस पे, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, पहला स्टेप ये करेंगे कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे और देखेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर रहा था इंसिडेंट रे, देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो जब हम ये जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। ये देखिए किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, एयर से मीडियम में जा रही है, मतलब ये आपका रेयरर हो गया और ये आपका क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है तो वो जो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की ओर मुड़ने का मतलब ये हुआ बुआ कि जो आपका लाइट है बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, कुछ इधर मुड़ जाएगा, मुड़ने के बाद फिर यहाँ पर चला आएगा। यहाँ भी वही कहानी होगा, यहाँ भी वही कहानी, नॉर्मल डालेंगे सबसे पहले, नॉर्मल डाल दिए। अब देखिए रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ भी वही काम हो रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाती है, देखिए नॉर्मल से दूर जा रही है, यानी ये जो नॉर्मल था ये नॉर्मल से दूर जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ, रेयरर से डेंसर में जा रहा था तो नॉर्मल की ओर, डेंसर मीडियम को नॉर्मल ही ना है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर, रेयरर मीडियम को नॉर्मल ही है। इस तरह से हमने प्रिज्म के बारे में देखा कि जब तुमने यहाँ से लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराया, ऐसे फिर ऐसे चला गया, ठीक है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, इमरजेंट रे, याद रहेगा इंसिडेंस रे, इमरजेंट रे, ठीक है। चलिए रिफ्रेक्टेड रे भी बोलते हैं। अच्छा इस एंगल का आप नाम लिखना चालू कीजिए, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आई, क्या बोलेंगे, आई। यहाँ पे आई वन बोलिए क्योंकि दो आई मिलने वाले हैं, तो ये आई वन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर वन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से अगर इसको हम आई टू बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आर टू बोलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों, ये जो एंगल है आपका एयर का है एक मीडियम का, इसलिए आई वन आई टू आर वन आर टू। आर वन आर टू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन साइड द प्रिज। यहाँ तक समझ में आया, इन दोनों से बनने वाला इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज ए। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है, चलिए इसको समझ लिए। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए जो है आपका क्या है, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए क्या है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, आर वन एंड आर टू, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द प्रिज, प्रिज के अंदर का है। चलिए यहाँ तक समझते हैं बात। अब देखो कंसेप्ट की बात क्या है बाबू, आपको यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान समझना, हम जो नॉर्मल जो डालते हैं वो सरफेस से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये कितना एंगल है, सरफेस से 90 डिग्री। उस तरह से अगर इसके एंगल को देखा जाए तो ये बन जाएगा आपको 90 माइनस आर वन। क्या समझ में आया, क्योंकि आर वन यहाँ से घटा दो, पूरा का पूरा 90 है, तो आर वन घटेगा तो 90 माइनस आर वन। इसी तरह से यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, तो अगर आर टू घटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 90 माइनस आर टू हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ से देखने को आपको एक ट्रेंगल नज़र आ रहा होगा, इस ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब ए प्लस 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ए प्लस 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 180, इससे ही कट जाएगा, मतलब यहाँ से ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस आर वन माइनस आर टू किधर भेजे, आर वन प्लस आर टू। यानी अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तो दोनों इन साइड का जो रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको जोड़ दीजिए, आर वन आर टू को जोड़ेंगे तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा, समझ में आ रही है बात। चलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए, पहला पॉइंट आपका यहीं कंप्लीट हुआ, चलिए हो गया। चलो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या था मेरा आपका, समझ लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट ये है कि डेविएशन, पलट हो गया आपका, सेकेंड पॉइंट ये है कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज, प्रिज के अंदर लाइट को कितना डेविएट करते हैं, उस फॉर्मूला को यहाँ समझते हैं, डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए को यहाँ से प्रूव कर लेंगे। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट आप हेडिंग दे देंगे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज, वही कहानी, सब चीज सेम चलेगा, थोड़ा सा अंतर मिलेगा। सबसे पहले एक प्रिज बनाएंगे, ठीक है ना,
उस प्रिज्म के अंदर प्रिज्म किसी न किसी मीडियम का बना होता है, इधर एयर है, इधर भी क्या आपका एयर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं और आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, स्टेप समझते हैं। हम प्रिज्म के अंदर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे किसी एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसे प्रिज्म के सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हुआ, अगला स्टेप क्या बनता है आपका, यहाँ पे नॉर्मल डालो, यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे, ये आपका हो गया नॉर्मल। अब देखिए रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, रे ऑफ लाइट किस मीडियम, रेयर से डेंसर में, तो उसका नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ा मतलब यहाँ पे चला है, ठीक है। यहाँ भी देखिए रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो काम वही है, जैसे ही रे ऑफ लाइट का मीडियम चेंज हुआ फिर नॉर्मल डालो, डाल दिया नॉर्मल। अब देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है टुवर्ड्स दी सॉरी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। ऐसे लाइट गया, ऐसे चला गया, नॉर्मल हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर समझ में आया, रे ऑफ लाइट ऐसे पास कराया गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हमको यहाँ पूछा है डेविएशन, लाइट कितना डेविएट किया। अब सोच के बताओ, जरा सोचिए कि अगर आपने पढ़ा है कि जो लाइट होता है हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन, अगर प्रिज्म ना होता तो जो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था बिल्कुल सीधा निकल जाता कि नहीं निकल जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, प्रिज्म ने इसके पाथ को बदल दिया है। तो बदल दिया है मतलब कितना बदल दिया, उसी को तो डेविएशन बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे बाबू, डेविएशन बोलेंगे। यानी इसको आगे की तरफ डॉट डॉट मिलाओ और इसको पीछे की तरफ डॉट डॉट मिलाओ, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, इसी एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब एंगल की बात कर लेते हैं, ए एंगल आपका कितना होगा आई वन, और ए एंगल आपका कितना हो गया आर वन, ए एंगल कितना हो गया आपका आई टू, और ए एंगल कितना हो गया आपका आर टू, समझ रहे हैं बात। अगर लाइट ऐसे चला जाता तो ये आई वन था तो ये भी तो आर वन मतलब पूरा का पूरा होता आर वन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लाइट ऐसे चला गया, ई एंगल कितना बनेगा, रिफ्लेक्शन याद करो, रिफ्लेक्शन बताए थे कि लाइट जितना इंसिडेंट करता है उतना ही रिफ्लेक्ट करता है, और आई और आर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं हुआ है। तो अगर इसको देखा जाए, अगर ध्यान देना, अगर लाइट सीधा जाता तो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल ए होता, ए मतलब ए वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बोला जाए कि चलो बताओ इतना एंगल कितना होगा, तो क्या करेंगे, I1 में से R1 को घटा देंगे, मतलब I1 माइनस R1, समझ में आ रहा है कि नहीं। इन द सेम वे इसी तरह से E एंगल कितना हो जाएगा, तो I2 माइनस R2 घटा दो, I2 माइनस R2, क्या समझ में आ रही बात, I1 माइनस R1, I2 माइनस R2। जैसे ही आपको ये दोनों एंगल मिल चुका है तब आपको निकालनी है एंगल ऑफ डेविएशन, क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन में हम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि ये एक्सटर्नल एंगल है और ये दोनों आपका इंटरनल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, यानी डेल्टा इक्वल टू आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, समझ में, इसमें इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से क्या करेंगे, I1, I1 प्लस I2, इन दोनों I वाले टर्म को एक साथ, माइनस R1, माइनस R2, डेल्टा बराबर यहाँ से क्या करो, I1 प्लस I2, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2। और आपने अभी पढ़ा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में A बराबर R1 प्लस R2 होता है, यानी R1 और R2 के जगह पे हम क्या रख देंगे, A, तो डेल्टा बराबर यहाँ से मिलेगा I1 प्लस I2 माइनस A। इस तरह से हमने सेकेंड पॉइंट को भी यहाँ से निकाल लिया, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसका यूज पड़ेगा डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, समझ में आ रही बात, इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, प्रूव दैट डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, चाहे इसको ऐसे ही बोलते हैं, एक नाम इसका और भी बोला जाता है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म,
समझ रहे हैं ना, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म, यहाँ प्रिज्म था यहाँ थिन प्रिज्म। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में, डेल्टा बराबर क्या होता है, चार ऑप्शन दिया रहेगा देख लीजिएगा आपसे। म्यू क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए यहाँ से इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम, फिर से प्रिज्म बनाएंगे। और तो अब आप समझ गए होंगे कि लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराना है। लाइट को जैसे यहाँ से हम इंसिडेंट कराएंगे, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहाँ क्या करना है बाबू, नॉर्मल डाल देना है, नॉर्मल डाल देना। अब देखो रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर, तो रे ऑफ लाइट किधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की ओर, मतलब सीधा ना जाकर नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। फिर यहाँ भी वही कहानी, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, फिर यहाँ पे क्या करो, नॉर्मल डाल दो। ठीक है, देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर, तो फिर यहाँ पे जो लाइट है तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। क्लियर हुआ है, पॉइंट समझ में आया, नॉर्मल से दूर चला जाए। ये आपका नॉर्मल था, ये आपका नॉर्मल था, यानी ये तुम्हारा एंगल कितना था आई वन, और एंगल कितना हो गया आर वन, ये एंगल कितना हो गया आई टू, और एंगल हो गया आर टू। एक किसी ने किसी मीडियम का बनाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इधर भी एयर होगा तो इधर भी क्या होगा आपका एयर होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वन, इसका उसी तरह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा वन, मतलब ग्लास जो है आपका एयर में रखा होगा। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कौन कहलाएगा, तो ये वाला आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। चलो अब हमको प्रूव करना है डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन। उसके लिए क्या करो, इस दोनों पॉइंट पे जहाँ पे इसका जो लाइट का जो पाथ चेंज हो रहा है पी पे और क्यू पे एसनेंस लॉ लगाओ। क्या लगाएंगे, एसनेंस लॉ। फॉर्मूला आपको याद होगा, हम बता देते हैं फिर से, अगर याद नहीं होगा तो मान लो इधर मीडियम, मान लो इधर अलग मीडियम है म्यू वन है, इधर अलग मीडियम है म्यू टू है। रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल डाल देते थे, अगर रेयरर से डेंसर में कहीं भी जा रही है तो देख लेना इसका, मान लो इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे आर। देखो एसनेंस लॉ बहुत आसान है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे म्यू वन इसके साथ साइन लगा दो, साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू टू साइन आर, बहुत आसान है। यही आपका एसनेंस लॉ है। एसनेंस लॉ कब लगाएंगे, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, एसनेंस लॉ। चलो यहाँ से काम वही करना है आपको और आराम से प्रूफ हो जाएगा। पहला काम, यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बताओ, तो कौन सा पॉइंट है पी। एसनेंस लॉ क्या कहता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वन, वन साइन आई वन, मतलब वन साइन आई वन इक्वल टू म्यू साइन आर वन, म्यू साइन आर वन। देखिए जो प्रूफ करते हैं ना डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस वन, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई वन के बल बहुत छोटी होती है, उस तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी बहुत छोटा होगा, समझ रहे हैं ना, यानी आई वन की वैल्यू छोटा होगी और साइन के फॉर्म में आई का वैल्यू तो और छोटा हो जाता है, क्योंकि साइन का मान जब एंगल बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो साइन जीरो का मान और साइन तीस डिग्री का मान किसका बड़ा होगा बताओ, तो तीस डिग्री का बड़ा होगा। तो जैसे जैसे एंगल छोटा उसकी साइन की वैल्यू छोटी, यानी दोनों तरफ से हम साइन को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको बताओ, तो यानी इस चीज़ को लिख लीजिएगा, आई वन एंड आर वन आर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है ना, तो हटा देंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा आई वन इक्वल टू म्यू आर वन, यहाँ से आपको ये मिल गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब एसनेंस लॉ लगाओगे किस पॉइंट पे, क्यू पे, यहाँ से यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट क्यू, लगाओ लगाओ क्या होगा बोलो बउआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, मतलब वन साइन आई टू इक्वल टू म्यू साइन आर टू, म्यू साइन आर टू, यहाँ से वही कहानी, यहाँ लिख लेना है, क्या लिखना है
आर वन एंड आर टू आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल। यहाँ से क्या हट जाएगा बता, तो आई टू बराबर क्या लिखोगे, म्यू आर टू। यहाँ से आई टू की वैल्यू मिल गया और यहाँ से आई वन की वैल्यू मिल गई। जैसे अगर आप ये दोनों वैल्यू निकाल लिए हो तो प्रूव ही इन दोनों करना है। सेकेंड पॉइंट में आपने क्या देखा है, देखिए सेकेंड पॉइंट में आपने क्या देखा है, याद करो, नहीं याद है, नहीं याद है तो ऐसे वी नो दैट डेल्टा बराबर आपने निकाला था आई वन प्लस आई टू माइनस है, निकाला था कि नहीं। अब क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू यहां से रखो, सॉरी आई वन की वैल्यू यहां से रखो, क्या होगा म्यू आर वन, आई टू की वैल्यू वहां से रखो म्यू आर टू माइनस ए। क्लियर है, चलो प्रूफ कर, हो चुका है। यहां से म्यू कॉमन ले लो, आर वन प्लस आर टू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या करो, यहां से ध्यान देना, यहां से क्या करो, यहां से हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, सॉरी याद करो, आर वन प्लस आर टू को क्या बोला जाता है ए, आर वन और आर टू क्या बोला जाता है ए, यानी यहां से म्यू ए माइनस ए, यानी डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा ए म्यू माइनस वन। कितना आसानी से हम लोग इसको प्रूफ कर दी, अगर आपको एग्जाम में आ रहा है तो पांच नंबर में आएगा, थर्ड नंबर पॉइंट, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कैसे कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर फोर में, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलो हो गया, चलिए अगला पॉइंट कौन था आपका, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला पॉइंट आपका फोर है, देखिए यहां पे पॉइंट नंबर फोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट, ये जो डेरिवेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का। इस साल बोर्ड एग्जाम में 100% कंफर्म है कि ये आला आएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें आपको जो प्रूव करना है, कर प्रूव दैट म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू और डिवाइडेड में साइन ए बाई टू। देखने में बहुत डेंजर लग रहा है, लेकिन डेंजर है नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि आपने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ा था कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में जो फॉर्मूला होती है म्यू इक्वल टू होती थी साइन आई बाई साइन आर, समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ से आई की वैल्यू इतना है और आर की वैल्यू इतना है, बाकी तो साइन ऊपर भी है साइन नीचे भी है, म्यू यहाँ पर है, मतलब हम यहाँ से आई और आर को निकालना है, समझ रहे हैं। आई और आर को निकालने मतलब इसको प्रूफ कैसे किया जाए, इसको प्रूफ करने के लिए एक ही तरीका है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड इक्वल होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर समझते हैं कैसे, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह से करनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको प्रूफ करनी है। सबसे पहला काम, आप प्रिज्म बनाइए, जैसे ही आपने प्रिज्म बना लिया तो उसके बाद लाइट को इंसिडेंट कराइए प्रिज्म में। जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ तो वहां पर क्या करना है, नॉर्मल डालना है। जैसे ही आप नॉर्मल वहां पर डालोगे, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल डालना ही है। रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब ये जो ग्लास है किसी न किसी मीडियम का बना होगा, जिसका रिफ्रेक्टिवनेस मान लेते म्यू, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास कुछ भी हो सकता है। इधर एयर है, इसका रिफ्रेक्टिवनेस कितना होता है वन, तो इधर भी क्या है एयर है जिसका रिफ्रेक्टिवनेस कितना हो जाता है वन। अब देखिए रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसका पाथ चेंज होगा। तो देखो बाबू कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से, रेयरर से डेंसर, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो फिर यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ भी उसका पाथ चेंज होगा। तो जब यहाँ भी उसका पाथ चेंज होगा तो वहाँ भी क्या करो, नॉर्मल डालो। जैसे यहाँ पे नॉर्मल डालोगे, डाल दीजिए नॉर्मल। अब देखो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर में, तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा ऐसे, मतलब लाइट ऐसे आने का, ऐसे आने का, ऐसे चला जाने का।
क्लियर है यहाँ तक। अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालनी है, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रूफ दैट में था मिनिमम डेल्टा मिनिमम था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है लेकिन प्रिज्म में आ जाने से उसका लाइट का जो पाथ है ऐसे होकर फिर ऐसे होकर फिर ऐसे चला गया, तो कितना डेविएट किया उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइट जो था यहाँ से ऐसे चला गया, अगर इसको प्रिज्म ना होता, इमेजिन करो अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट ऐसे चला जाता कि नहीं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, डॉट डॉट से हमने दिखा दिया। अगर लाइट ये जो अगर ये ऐसे आ रहा है इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, यानी जो डेल्टा यहाँ से निकल रहा है एंगल ऑफ डेविएशन यही है, अब यही डेविएशन। अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हो मिनिमम, तो जो यहाँ पे जो एंगल माना जाएगा, यहाँ पे जो एंगल आप मान रहे हो आई वन आर वन आई टू आर टू, जो एंगल मानते हो आई वन आर वन आई टू आर टू, इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे इमर्जेंट रे रिफ्रेक्टेड रे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपको जो फॉर्मूला बताया गया था याद करो, प्रिज्म में जो आपको फॉर्मूला बताया गया था क्या बताया गया था आप याद कीजिए, डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, एंगल ऑफ डेविएशन बताया था ना। अगर डेल्टा मिनिमम निकालना चाहते हो तो आई वन और आई टू इक्वल होनी चाहिए तभी हो सकता है, अगर अलग अलग होगा तो नहीं होगा। इस चीज़ को आप मान के चलोगे कि आई वन इक्वल है किसके, आई टू, एक ही नाम बोलेंगे क्या आई, ऐसा मानोगे तभी आपका काम होने वाला है। जैसे यहाँ से मान लोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डेल्टा लिखे हो अब इसको डेल्टा मिनिमम बोलना, और आई वन को क्या बोलेंगे आई प्लस आई टू क्या बोलेंगे आई माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक, ये माइनस ए को इधर भेज दो तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल टू टू आई हो जाएगा। यहाँ से आई की वैल्यू निकालो, आई बराबर क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी यहाँ से आई इक्वल टू मिल गया, क्या मिल गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, समझ रहे हो बात। इस तरह से हमने आई की वैल्यू निकाल लिया, वही तो फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर था कि नहीं, हमने यहाँ से आई निकाल लिया। अब बचा आर, आर जो निकालने के लिए यहाँ भी वही कहानी, जैसे आई वन आई टू बराबर होगा तो आर वन आर टू भी बराबर करना पड़ेगा, लेकिन उसको कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और इस पॉइंट पे भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, दोनों जगह आप एसनेंस लॉ लगाओ, क्या लगाओगे एसनेंस लॉ। यहाँ तक समझ में आई, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको हटाएंगे, इसको आप याद रखना है, आई इक्वल टू याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं, आप इसको याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो हम इसको इधर भेज भी सकते हैं, आप देखते रहिएगा, इसको इधर भेज दिया हमने, उसको निकाल ली। अब एसनेंस लॉ लगाओ, यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट, यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट पी, एसनेंस लॉ क्या बोलता है बोलो तो, एसनेंस लॉ क्या बोलता है कि जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल क्या होगा यहाँ से वन, और वहाँ साइन आई वन नहीं होगा साइन आई होगा, आप मान लिए थे आई वन आई टू इक्वल है, इक्वल टू म्यू साइन आर वन, ठीक है ना। इसी तरह से दोनों जगह से साइन हटा देंगे, आई बराबर क्या आ जाएगा आपका म्यू आर वन आ जाएगा, यहाँ से आई वन की वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। उसी तरह से यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे क्यूब, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल वन, साइन आई टू को नहीं, आई टू नहीं मानना, आई म्यू साइन आर टू, यहाँ से साइन हटा देंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा म्यू आर टू, यहाँ से आई वन और आई टू का वैल्यू जैसे आपने निकाल लिया, तो जैसे ही तुम निकाल लिया तो वो फॉर्मूला याद करो, वी नो दैट कौन सी फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला, आपको आर की वैल्यू निकालनी है ना, ए इक्वल टू पढ़े हो आर वन प्लस आर टू, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से क्या करो इन दोनों इक्वेशन में देखो,
एल एच एस बराबर है आर एच एस भी बराबर कीजिए, मतलब म्यू आर वन इक्वल टू म्यू आर टू हो जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर वन बराबर आर टू, यानी मतलब आर वन और आर टू भी क्या है आपका सेम है, इसलिए इसको एक ही नाम बोलेंगे आर। जैसे आई वन आई टू को सेम माने थे उसी तरह यहाँ से मान लो आर, यानी अब उसके बाद लिखना वी नो दैट, वी नो दैट ए आर वन को क्या मान लोगे आप आर इक्वल है ना, आर टू को क्या मान लोगे आर। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इक्वल टू टू आर, आर बराबर क्या हो जाएगा ए बाई टू, यहाँ से हमने आई निकाला था और यहाँ से आर निकाला था, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू बराबर आपने क्या पढ़ा था साइन आई बाई साइन आर। अब क्या करो, साइन आई की वैल्यू कितना है आया था वहाँ से याद करो, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू कितना आया है ए बाई टू। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बाबू, इसको करके ही जाना एग्जाम में, ठीक है ना, 100% चांस है इस साल आने का इसका, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में तब।